स्प्लिट एसी के एक ऐसे फॉल्ट की बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके सामने ऐसा हो जाए तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए देखिए, मेरे साथ में जितने भी फॉल्ट होते हैं ना, जितना मैं सॉल्व करता हूँ उसी पर मैं वीडियो बनाता हूँ, उसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि स्प्लिट एसी में कभी कभी जब एसी को ऑन करते हैं और कूलिंग मोड पर रखते हैं तो भी वो हीट एयर फेंकता है, हीटिंग फेंकता है। जैसे कि हीट मोड पर रखते हैं उसी तरह से कूल मोड पर भी हीट एयर फेंकता है। इसका क्या रीज़न है? और हीट मोड पर रखेंगे तो हीट तो फेंकेगा ही फेंकेगा, लेकिन कूल मोड पर रखते हैं तो भी हीट एयर फेंक रहा है, इसका क्या रीज़न है? आज कंप्लीट इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और बिल्कुल मैं जो उसमें फोर वे देखिए, हीट और कूल जो होता है ना, एक ही सिस्टम होता है, और उसी सिस्टम में जब हीट मोड पर रखते हैं तो हीटिंग फेंकता है और कूल मोड पर रखते हैं तो कूलिंग फेंकता है। एक ही सिस्टम होता है, एक ही कंप्रेसर होता है, एक ही कूलिंग कॉइल होता है, एक ही कंडेंसर होता है, लेकिन सिर्फ उसमें डिफरेंस ये होता है कि उसमें एक हीट पंप लगा होता है जिसे कहते हैं फोर वे रिवर्सिंग वाल्व। आप देख सकते हैं इमेज में, ये होता है फोर वे रिवर्सिंग वाल्व। अगर यह ख़राब हो जाएगा, और ख़राब कैसे होगा, कैसे आप पहचान सकते हैं, इसको भी मैं कंप्लीट बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हो सकता है 10 मिनट का, तो कंप्लीट समझ लीजिए। आज अगर हमारी वीडियो को समझ लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं और अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो ये कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्चुअली होता क्या है, पहले आपको ये समझना होगा कि फोर वे रिवर्सिंग वाल्व काम कैसे करता है। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फोर वे रिवर्सिंग वाल्व काम कैसे करता है और रेफ्रिजरेंट का रनिंग कैसे होता है, तभी आप समझ पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कूलिंग मोड पर रखते हैं ना, तो अगर आप आउटडोर के पास जा करके देखेंगे, तो इंडोर में जाहिर सी बात है कि इंडोर में अगर कूल एयर फेंक रहा है तो आउटडोर में जाएंगे तो वहाँ पर कूल एयर फेंकेगा, यानी सॉरी जो इंडोर में हीट एयर फेंक रहा है ना, तो आउटडोर में जा करके देखेंगे, जब फ़ैन के सामने हाथ लगाएंगे ना तो वहाँ पर बिल्कुल कूलिंग एयर फेंकेगा। जैसे इंडोर में जैसे कूलिंग होता है ना, उसी तरह से आउटडोर में कूल एयर फेंकेगा। क्यों? तो जब हम आउटडोर के सामने ऐसे हाथ लगाते हैं ना, हाथ लगाते हैं तो वहाँ पर हीट एयर फेंकता है। तो एक्चुअली नॉर्मल जो एयर कंडीशनर होता है ना, वो रूम में जो यूनिट लगा होता है इंडोर में, वो वहाँ पर कूलिंग निकलता है, और जो आउटडोर में होता है ना, आउटडोर सिस्टम लगा होता है, वहाँ पर हीट होता है। लेकिन वो फोर वे रिवर्सिंग वाल्व, ये यूनिट लगा होता है, एक उसमें एक कंपोनेंट लगा होता है, एक पार्ट लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेफ्रिजरेंट का रास्ता बदल जाता है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि रेफ्रिजरेंट काम कैसे करता है और कैसे कूलिंग से हीटिंग और हीटिंग से कूलिंग कैसे होता है। पहले नॉर्मली जो एयर कंडीशनर होता है ना, नॉर्मल जब चलता है, ये यूनिट नहीं लगा होता, ये स्पेयर पार्ट नहीं लगा होता, फोर वे रिवर्सिंग वाल्व सिस्टम में नहीं लगा होता है, तो किस तरह से काम करता है कंप्रेस, मैं जल्दी जल्दी करके बताऊंगा, टाइम आपका नहीं लूँगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो ना काफ़ी वीडियो में बना चुका हूँ, काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल में मैं बता चुका हूँ। तो रेफ्रिजरेंट का जो रनिंग होता है, नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके एक वीडियो, लंबा सा लगभग 22 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं ना, तो रेफ्रिजरेंट का जो रनिंग होता है उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो उस वीडियो को क्लिक करके देख लीजिए। जब डिस्चार्ज फेंकता है कंप्रेसर, तो पहले कंडेंसर में जाता है, और कंडेंसर से कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर के रास्ते से जो फिल्टर लगा होता है, नॉर्मल फिल्टर लगा होता है, और कुछ एसी में ड्रायर फिल्टर लगे होते हैं, ड्रायर फिल्टर और नॉर्मल फिल्टर में डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो कैपिलरी के रास्ते से चला जाता है, लिक्विड लाइन के रास्ते से, जो पतला पाइप होता है वो पतले पाइप के रास्ते से चला जाता है कूलिंग कॉइल में, और कूलिंग कॉइल में जा करके कूल करता है, और फिर वापस से मोटा पाइप जो होता है, मोटा पाइप उसे हम सक्शन लाइन कहते हैं, सक्शन लाइन के रास्ते से वापस कंप्रेसर में आ जाता है। इतना सा नॉर्मल एसी का रेफ्रिजरेंट का रनिंग होता है। अब यहाँ पर ये समझिए कि आखिर रेफ्रिजरेंट हीट कैसे हो जाता है कंडेंसर में जा करके, यानी कि आउटडोर सिस्टम में जा करके रेफ्रिजरेंट हीट कैसे हो जाता है, और कूलिंग कॉइल में जा करके कूल कैसे हो जाता है, इसको भी समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, इसमें ज़्यादा लंबा नहीं खींच के ले जाऊंगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब रेफ्रिजरेंट निकलता है कंप्रेसर से, तो अपनी चाल पे निकलता है, और खींचता भी अपनी चाल पे खींचता है, अपनी स्पीड पे। तो यहाँ पर क्या होता है, अब चेंजेस कैसे हो जाता है,
एक्चुअली चेंजेस इस तरह से होता है कि कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट जाता है और कंडेंसर के बाद जब आउटपुट निकलता है तो वहाँ पर ये कैपिलरी लगी होती है और फिल्टर लगा होता है। फिल्टर का तो रास्ता मोटा होता है, वहाँ से रेफ्रिजरेंट निकल जाता है अच्छे से, लेकिन कैपिलरी लगी होती है जो पतली सी होती है कैपिलरी लगी होती है। अब कंडेंसर से जब आउटपुट निकलता है ना तो रेफ्रिजरेंट की स्पीड कम हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि अभी तो मोटे मोटे होल से अगर रेफ्रिजरेंट फेंक रहा है तो कैपिलरी का जो सुराख होता है ना, जो उसका होल होता है, बहुत बारीक होता है, तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे करके लिक्विड लाइन में जाता है, यानी कि पतले पाइप में धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट है ना, कंप्रेसर तो अपनी स्पीड से फेंक रहा है जितना रेफ्रिजरेंट फेंकना है, अब रेफ्रिजरेंट जब अपनी स्पीड से फेंक रहा है और आगे जा करके ब्रेकर है ये कैपिलरी का जब ब्रेकर है तो रेफ्रिजरेंट आगे धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे रेफ्रिजरेंट यहाँ पर आउटडोर सिस्टम में इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट आउटडोर सिस्टम में इकट्ठा हो जाता है। कभी भी आप डिस्चार्ज प्रेशर और सक्शन प्रेशर मापेंगे तो सक्शन प्रेशर थोड़ा बताता है, अगर मानिए कि R22 है तो वहाँ पर 60 का प्रेशर बताएगा R22, और डिस्चार्ज प्रेशर जब हम चेक करेंगे तो वहाँ पर 250 से 350 PSI बताएगा। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हुआ रहता है यहाँ पर आउटडोर सिस्टम में, बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट, बहुत ज़्यादा प्रेशर इकट्ठा हुआ रहता है, इसलिए जब हम डिस्चार्ज प्रेशर चेक करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा 250 से 350 PSI बताता है, यही रीज़न होता है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर कैपिलरी लगी हुई है तो वहाँ पर स्प्रे करके फेंकता है, धीरे धीरे करके रेफ्रिजरेंट फेंकता है और स्प्रे करके फेंकता है। पतले पाइप से जब कूलिंग कॉइल में जाता है तो आउटडोर में वेपर में होता है, और जब स्प्रे करके कैपिलरी से निकलता है आगे तो वहाँ पर क्या होता है कि आगे जा करके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, स्प्रे करके फेंकता है इसके लिए कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ से जब मोटे पाइप के रास्ते से वापस खींचता है तो इसी वजह से कूलिंग कॉइल में जा करके लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और वहाँ पर जा करके ठंडा होता है, और मोटे पाइप से खींचता है तो वही मोटे पाइप जब हम टच करते हैं, उसे छूते हैं तो बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है इसकी वजह से। तो यही होता है प्रोसेस पूरा रेफ्रिजरेंट रन करने का। अब हम बात करते हैं कि अगर एसी को हम चलाते हैं और हीटिंग मोड पर फेंक रहा है तो पहले फोर वे रिवर्सिंग वाल्व को समझ लीजिए कि ये काम कैसे करता है, रेफ्रिजरेंट इसका रनिंग कैसे होता है। तो इसमें देखिए तीन चार लाइनें होती हैं, चार मुख होता है इसका, आप देख लीजिए तीन लाइनें ये मोटे वाले पाइप में है और एक लाइन पीछे है। तो जब डिस्चार्ज निकलता है ना तो नॉर्मल एसी में सीधा पहले कंडेंसर में जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें पहले फोर वे रिवर्सिंग वाल्व में जाता है, जो पतला वाला लाइन होता है ना 1/4 का या फिर 1/4 का, अलग अलग साइज़ का होता है, तो क्योंकि अलग अलग साइज में 1.5 टन में और 2 टन में अलग साइज लगता है, और 3 टन से ऊपर के सिस्टम में अलग साइज़ का ये फोर वे रिवर्सिंग वाल्व लगता है। तो पहले कंप्रेसर से निकलता है तो इस पहले फोर वे रिवर्सिंग वाल्व में जाता है, बीच वाले में जो पीछे लगा हो ना, वो लंबा वाला थोड़ा सा पतला वाला, उसमें पहले जाता है, उसमें गया, उसके बाद एक इस साइड वाला रास्ता उसमें खुला होता है, एक साइड वाला रास्ता खुला होता है सीधा, वहाँ से निकल करके अब पहले फोर वे रिवर्सिंग वाल्व में गया, वहाँ से निकल करके कंडेंसर में चला जाता है। अब कंडेंसर में गया फिर से वही प्रोसेस होगा जैसे नॉर्मल एसी में होता है, कंडेंसर से इसमें जाएगा कैपिलरी ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब से कूलिंग कॉइल में जाएगा, कूलिंग कॉइल से वापस, अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल एसी में क्या होता है कि कूलिंग कॉइल से सीधा वापस आता है जब रेफ्रिजरेंट तो सीधा कंप्रेसर में चला जाता है, लेकिन फोर वे रिवर्सिंग वाल्व लगा है तो इसमें ऐसा नहीं होता है। फोर वे रिवर्सिंग वाल्व लगा है तो पहले एक लाइन से तो डिस्चार्ज निकल के जा रहा है और दूसरी साइड से, बीच वाला छोड़ देते हैं, बीच वाला कॉमन होता है, दूसरी साइड से निकल करके क्या होता है कि वहाँ पर जाता है, इनपुट होता है जो कूलिंग कॉइल से आ रहा है ना लाइन, मोटा पाइप जो सक्शन लाइन आ रहा है वो वहाँ पर ज्वाइंट होता है इस साइड वाले में, दूसरे साइड वाले में, एक साइड से निकल करके कंडेंसर में जाता है और दूसरी साइड से वापस कूलिंग कॉइल के रास्ते से वापस आता है इसमें। अब बीच वाला जो बचता है ना वहाँ से निकाल करके कंप्रेसर के सक्शन लाइन में चला जाता है, जो रिसीवर लगा होता है उसमें चला जाता है। अब यहाँ पर समझिए कि हीट से कूल और कूल से हीट कैसे हो जाता है, और जो मैं फॉल्ट बताया हूँ उसको ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे।
तो उसमें एक छोटा सा वाल्व लगा होता है उसके अंदर, जैसे कि अंदर का भी मैं स्पेयर दिखा दूं कि इसके अंदर क्या होता है। आप देख सकते हैं ये फोर वे रिवर्सिंग वाल्व के अंदर एक सफ़ेद कलर का रबर जैसा एक लगा होता है, रबर का नहीं होता है वो, बहुत हार्ड प्लास्टिक होता है वो, उसमें लगा होता है वाल होता है। कभी वो क्या होता है, कभी इस तरफ जाता है तो कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है कभी इस तरफ जाता है। तो इससे क्या होता है कि पहले जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर जब फेंकता है तो पहले फोर वे रिवर्सिंग वाल्व में जाता है और उसके ठीक सामने वाला एक है, एक साइड से देखिए दो साइड है ना, एक साइड से निकल करके सीधा कंडेंसर में चला जाता है। अगर हम कूलिंग मोड पर चला रहे होते हैं तो कंडेंसर में चला जाता है, कंडेंसर से फिर कूलिंग कॉइल में गया, फिर कूलिंग कॉइल से वापस चला आता है फोर वे रिवर्सिंग वाल्व में, और बीच वाले से चला जाता है सक्शन लाइन में यानी कि रिसीवर में चला जाता है। अब मानिए यहाँ पर कि आप हमारे एसी में फॉल्ट है, कूलिंग मोड पर रख रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, हीट पर काम कर रहा है। यानी कि अब देखिए वहाँ पर जो उसमें वाल लगा हुआ है, जो एक इस तरफ जाता है इस तरफ जाता है इस तरफ जाता है, वो क्यों होता है, क्योंकि जब हम कूलिंग मोड पर रखते हैं तो उसमें मैग्नेटिक कॉइल लगा होता है। आप देख सकते हैं कॉइल ये काम करता है और प्रेशर बनाता है, इस साइड से धक्का मार करके इस साइड भेज देता है, और ये जब हम हीट मोड पर रखते हैं तो इस साइड से धक्का मार के इस साइड में फेंक देता है। तो इस तरह से काम करता है। अगर उसके अंदर का ये वाल अगर ख़राब हो जाता है यानी कि जाम हो जाता है, ये ऐसा तो है नहीं, मैकेनिक पार्ट है, कभी न कभी तो ख़राब होना ही होना है, लाइफ टाइम तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि लाइफ टाइम नहीं लंबे समय तक चल जाता है लेकिन लाइफ टाइम तक कुछ भी नहीं चलता है, इसको ध्यान में रखिए। ख़राब मैकेनिकल पार्ट है, ख़राब तो होना ही होना है एक न एक दिन। तो उसके अंदर क्या होता है कि जाम हो जाता है, जाम होने की वजह से, अब जाम क्यों होता है इसको भी समझ लीजिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि रेफ्रिजरेंट के साथ साथ में लिक्विड भी चलता है, तो लिक्विड उसके अंदर जाता है तो काफ़ी दिन तक अगर बंद पड़ा रहता है एसी, या फिर किसी वजह से उसमें अब लिक्विड रहेगा तो जाहिर सी बात है कि सूखेगा तो लसार होगा, उसमें चिपकेगा, तो वही चिपक करके जा करके बैठ जाता है एक जगह से दूसरी जगह में नहीं जा पाता है। यानी कि हीटिंग मोड पर चला गया और वहाँ पर जा करके रुक गया वो, फिर वाल इधर उधर खिसक नहीं रहा है, नहीं खिसक रहा है तो आप अगर कूलिंग मोड पर चलाएंगे तो भी हीट फेंकेगा, हीट मोड पर चलाएंगे तो हीट तो फेंकेगा ही फेंकेगा। तो कूलिंग मोड पर अगर चलाने पर अगर ऐसा आपके साथ होता है कि अगर आप कूलिंग मोड पर एसी को चला रहे हैं और वो हीट एयर फेंक रहा है जैसे कि हीटिंग मोड पर रखते हैं, तो फिर सीधा आपको समझ जाइए कि आपका फोर वे रिवर्सिंग वाल्व ख़राब हो चुका है, उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। अब देखिए वहाँ पर आप चाहे तो सिस्टम को कूलिंग मोड बना सकते हैं या तो हीटिंग और कूलिंग मोड बना सकते हैं। हीटिंग और कूलिंग मोड बनाने के लिए आपको फोर वे रिवर्सिंग वाल्व रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि फोर वे रिवर्सिंग वाल्व रिप्लेस ना करना पड़े तो भी आप उसे बना सकते हैं, कुछ भी नहीं लगाना है आपको, लेकिन सिस्टम आपका सिर्फ ओनली कूलिंग मोड हो जाएगा, हीटिंग मोड नहीं काम करेगा। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लगभग यही कोई अगर इंडियन करेंसी की बात की जाए तो 1200 से 1500 के अराउंड में फोर वे रिवर्सिंग वाल्व आता होगा। यहाँ पर तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर 50 सऊदी रियाल का आता है, यानी कि 50 सऊदी रियाल का हो गया 1100 रुपये इंडिया का। तो हो सकता है कि 1100-1200 के अराउंड में आपको फोर वे रिवर्सिंग वाल्व मिलता होगा। तो आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर देंगे तो आपका हीटिंग और कूलिंग फिर से चलने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम होता है अगर ऐसा होता है। और भी फोर वे रिवर्सिंग वाल्व के बारे में और भी बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं काट के दिखाने वाला हूँ आपको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, नहीं वीडियो तो अभी फ़िलहाल इतना लंबा हो गया, ये मैं बताना था। लेकिन अगर मैं फोर वे रिवर्सिंग वाल्व मेरे पास है उसे मैं काटूंगा, काट करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर कैसे होता है और ये काम कैसे करता है फोर वे रिवर्सिंग वाल्व, और किस तरह से खिसकता है इधर से उधर, इधर से उधर कैसे खिसकता है। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते नए टॉपिक के साथ।